हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप मस्कत ओमान से दुबई जाने के लिए आप कोई भी गाड़ी लेकर जा सकते हैं या गाड़ी का आपके नाम पे होना ज़रूरी है। दोस्तों, मस्कत ओमान में पहले ये रूल था, जब आप बाय रोड मस्कत ओमान से दुबई या किसी भी कंट्री में मूव हुआ करते थे, सऊदी अरब, दुबई, मस्कत ओमान के साथ जो बॉर्डर्स लगते हैं, आप बाय रोड गाड़ी में जाया करते थे, तो आपके नाम पे गाड़ी का होना बहुत ज़रूरी था। गाड़ी की इंश्योरेंस और गाड़ी का मुल्किया, मुल्किया का मतलब आप जानते हैं दोस्तों, गाड़ी की फ़ाइल आपके नाम पर होना बहुत ज़रूरी थी। लेकिन अभी ये रूल बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करने से पहले दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरा चैनल भी विज़िट करना मत भूलिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, अब आप अपने किसी भी रिलेटिव दोस्त की मस्कत ओमान से गाड़ी किसी भी कंट्री में लेकर जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सिर्फ उसकी एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उसका जो यहाँ की एमरस आईडी, यहाँ का पताखा है, उसकी एक फ़ोटो कापी आपके पास होना चाहिए, उसकी एक पिक्चर होना चाहिए। जैसे ही आप मस्कत ओमान से दुबई जाने के लिए बॉर्डर पर पहुँचेंगे, तो दुबई बॉर्डर पर वो उस इंसान के पताखे की, एमरस आईडी की वो पिक्चर मांगेंगे जिसकी गाड़ी आप लेकर जा रहे हैं। आपके पास वो होना बहुत ज़रूरी है, वो बहुत लाजम है आपके पास होना, तब जाकर दोस्तों आपको मस्कत ओमान से अबू धाबी की एंट्री मिल सकती है। अब इस रूल को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है कि आप सिर्फ़ अपनी ही गाड़ी बाय रोड लेकर जा सकते हैं, आपके नाम पे इंश्योरेंस होना ज़रूरी थी उस टाइम में, और आप तब अबू धाबी में या सऊदी अरब में एंट्री ले सकते थे। लेकिन दोस्तों, अब आप किसी भी रिलेटिव या अपने किसी दोस्त की गाड़ी बाय रोड मस्कत ओमान से अबू धाबी, सऊदी, किसी भी कंट्री में आप मूव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अब उस इंसान जिसकी आप गाड़ी यूज़ कर रहे हैं उसकी इजाज़त और उसका पता होना बहुत लाजमी है। उसको इस चीज़ का इलम होना चाहिए कि मैं इसको अपने दोस्त को गाड़ी हैंड ओवर कर रहा हूं। और ये वो जब आप बॉर्डर पर पहुंचते हैं, ये भी एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, जब आप बॉर्डर पर पहुँच जाते हैं अबू धाबी, सऊदी, किसी भी बॉर्डर पर, आप इन्हीं बॉर्डर्स पर आपको अलाउ है, इसके अलावा किसी बॉर्डर पर आपकी गाड़ी अलाउ नहीं होगी। आप या तो दुबई जा रहे हैं या फिर सऊदीया जा रहे हैं, इन बॉर्डर्स पे आपको अलाउ है अपने किसी दोस्त की गाड़ी लेके जाना, और उसका मुल्किया आपके पास होना ज़रूरी है, और उस दोस्त की जिसके नाम पर वो गाड़ी है, जिसकी आप गाड़ी लेकर जा रहे हैं, उसकी एमरस आईडी, मतलब कि उसके पताखे की पिक्चर, आईडी कार्ड की पिक्चर आपके पास होना लाजमी है। ये दो चीज़ें आपके पास होना लाजमी है, इंश्योरेंस का वहाँ पर नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ ये दो चीज़ें आपके पास होंगी तो आप मस्कत ओमान से अबू धाबी या सऊदीया बॉर्डर पर जा सकते हैं किसी भी गाड़ी में। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने अपनी एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब आप मस्कत ओमान से अबू धाबी जाते हैं तो वहाँ पर आपकी गाड़ी का नाम होना बहुत ज़रूरी है, आपकी गाड़ी आपके नाम पर होना बहुत ज़रूरी है, आपकी गाड़ी के मुल्किया, आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस आपके नाम पर होना ज़रूरी है। लेकिन अब रूल चेंज हो चुका है, नवंबर 2023 में इस रूल को चेंज कर दिया गया। दोस्तों, आप ROP में गूगल पर जाकर चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करेंगे, वहाँ पर भी आपको इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और मज़ीद इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकअल्लाह।